children, I am going to teach you Hindi Vyakaran. Chapter 2, Part 3, Word Vichar. Word Vichar. Word के बारे में आप जानकारी ले चुके हैं. Word दो तरह का होता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन. स्वर के बारे में भी जानकारी आपको मिल चुकी है पिछले वीडियो में. अब आपको व्यंजन के बारे में जानकारी दिया जा रहा है. जिन वर्णों यानी व्यंजन क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है. जिन वर्णों को हम बोलते हैं और उस समय हम स्वर का सहायता लेते हैं तो वो हमारा व्यंजन के अंतर्गत आता है. इन्हें बोलते समय वाय मुख में अलग अलग स्थानों पर रुक कर निकलती है. जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो ये व्यंजन क्या होते हैं, मुख के अलग अलग स्थानों से वायु को रोक कर निकाले जाते हैं. हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं. हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं. व्यंजनों को दो आधारों पर बांटा जा सकता है. व्यंजनों को दो आधारों पर बांटा जा सकता है. पहला है उच्चारण के आधार पर और दूसरा है परस्पर मेल के आधार पर. अब आते हैं हम उच्चारण के आधार पर. उच्चारण के आधार पर तीन भागों में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन. कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन. और परस्पर मेल के आधार पर जब देखते हैं तो इसको हम संयुक्त व्यंजन में और द्वित व्यंजन में अलग अलग दर्शा सकते हैं. संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन. अब आता है स्पर्श व्यंजन. अब कहिए उच्चारण के आधार पर पहला है क्या, स्पर्श व्यंजन. स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु यानी हवा कंठ से, कंठ यानी गले के अंदर से निकलती है, निकलकर मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श मतलब छूता, यानी कि जब हमारा जो जीभ है मुख के अलग अलग स्थानों को छूती है तो स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं. उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं. अतः स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है. कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है. अगर इसको हम काउंट करते हैं तो ये 25 आता है आपका. 25 होते हैं. अब इनको वर्ग में देखा जाए तो ये क वर्ग है जो क ख ग घ अंगा यानी कि पांच अक्षरों को एक साथ लेकर चल रहे हैं. इनको हम क वर्ग में लेते हैं. इनको हम कंठ नाम दिए हैं, नाम को कंठ दिया गया है और इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है. अब आता है आपका च वर्ग. च वर्ग में च छ ज झ इया ये क्या होता है, ये पांच की पंक्ति लेकर चलता है. पांचों की संख्या च से लेके ञ तक का ये तालव्य स्थान होता है, सनाम तालव्य. और ये इसका उच्चारण कहां से होता है, तालु से. जब हमारा जीभ तालु को छूते हुए निकलता है तो हम इसको तालव्य कहते हैं और इसका उच्चारण स्थान होता है तालु. अब आता है आपका ट वर्ग. कौन सा वर्ग? ट वर्ग. ट ठ ड ढ अड़ ये अपने टावर को लेकर चलता है. इसको हम कहते हैं मूर्धन्य, यानी कि जो जीव हमारा मूर्धा से टकराती है तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा. यानी कि जब हमारी जीव मूर्धा को टकराकर, मूर्धा से टकराकर बाहर निकालती है अक्षरों को तो ये मूर्धन्य हो जाते हैं और इनका उच्चारण स्थान हो जाता है मूर्धा. अब आता है आपका त वर्ग. कौन सा वर्ग? त वर्ग चौथा, यानी कि त थ द ध न. ये क्या है? तवर का समूह है. अब इसको कहते हैं दंत. इसको हम कहां से निकालते हैं बच्चों? दांत से. जब हमारी जीभ दांत को छूती है तो ये दांत से टकराते हुए निकलते हैं, इसलिए
इनका नाम दंत दिया गया है और इनको हम उच्चारण स्थान कहाँ से निकालते हैं? दांत से निकालते हैं, दंत होता है इनका उच्चारण स्थान। अब आता है पव, पव में प ह ब भ म, ये पांचों का समूह लेकर चलता है पवर। इसको हम ओष्ठ से निकालते हैं क्योंकि इसका जो जीव होता है ये ओष्ठ से टकरा कर ही इस अक्षरों को बाहर निकालता है, इसलिए इसको ओष्ठ नाम दिया गया है और ये ओष्ठ के उच्चारण स्थान है, ओष्ठ ही इनके उच्चारण स्थान होते हैं। आगे आते हैं याद कीजिए अभी तक स्पर्श व्यंजन, ये छूते हुए व्यंजन थे जो छूते हुए टकराते हुए बाहर निकालते रहते थे। अब आता है आपका दूसरा, क्या है? अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य यानी बीच में होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी स्वर और व्यंजन के बीच से जब कोई हवा द्वारा निकाला जाता है तो इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है चार, इनकी संख्या भी होती है चार, ठीक किसी के नीचे प के नीचे ये आगे अक्षर आते हैं य र ल व, ये जो है य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे अब आते हैं उष्म व्यंजन, तीसरा क्या है? उष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु वायु में हवा मुख में यानी मुख के अंदर टकरा कर उष्मा यानी कि जब हवा अंदर से निकलती है तो मुख के अंदर पहले रुकती है और टकराती है और उसको घर्षण करते यानी टकराते हुए बाहर निकालती है अर्थात गर्मी उत्पन्न करती है, यानी कि जब हवा हमारी गर्मी अंदर उत्पन्न कर लेती है तब ये हमारे अक्षर बाहर आते हैं, इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं, इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म का समय भी उष्म मतलब होती है गर्मी, उष्मा उष्मा यानी गर्मी। तो वही रहा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकरा कर उष्मा अर्थात गर्मी उत्पन्न करती है इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? तो इनकी संख्या भी चार होती है, क्या? बड़ा श खटकोर वाला श छोटा श ह, ये आपके चार अक्षर जो हैं क्या हैं? उष्म व्यंजन हैं। थैंक्स।